हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं दिस कीवर्ड इन जावास्क्रिप्ट। सो बेसिकली दिस कीवर्ड क्या होता है जावास्क्रिप्ट में, आज की इस वीडियो में हम कंप्लीट इसे समझने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। अगर गाइस आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो यार प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करना, और अगर यार आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ विज़िट करें चैनल पर और प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और हमने एक एडवांस जावास्क्रिप्ट की एक बेसिकली सीरीज़ बनाई है जिसमें हमने पूरे इंटरव्यू क्वेश्चन को कवर किया है, तो जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है इंटरव्यू पर्पज़ के लिए। तो अगर आप लोगों ने नहीं चेकआउट करी तो प्लीज़ उसे चेकआउट करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो व्हाट इज़ दिस कीवर्ड? सो दिस कीवर्ड रिफर टू एन ऑब्जेक्ट। सो बेसिकली जो दिस कीवर्ड है ये ऑब्जेक्ट को रिफर करता है, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, बट डिपेंड्स ऑन वेयर दे प्लेस। सो यहाँ पर इम्पॉर्टेंट ये है कि वो डिपेंड करता है कि वो कहाँ पर है। अगर अलोन है, मीन्स अगर हमारे पास नॉर्मल जावास्क्रिप्ट फाइल है उसके अंदर हमने कंसोल डॉट लॉग दिस लिख दिया, मीन्स अलोन उसको हमने लिख दिया, तो वो रेफर करेगा ग्लोबल ऑब्जेक्ट को। ओके, अगर इनसाइड रेगुलर फंक्शन, मतलब जो हम नॉर्मल फंक्शन बनाते हैं और उसके अंदर हमने कंसोल डॉट लॉग में दिस लिख दिया, तो भी वो रेफर करेगा ग्लोबल ऑब्जेक्ट को। सो इन सभी बातों को हम समझेंगे किस तरीके से हमें वो कब ग्लोबल ऑब्जेक्ट को रेफर करता है, कब वो ऑब्जेक्ट को रेफर करता है, तो हम कंप्लीट डिटेल में समझेंगे जिसके आपके पूरे कंसेप्ट क्लियर होंगे। तो हम चलते हैं VS कोड पर और यहाँ पर हमें देखने वाले हैं डिटेल में। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देख रहे हैं कंसोल डॉट लॉग और मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ दिस, और बेसिकली हम ये क्या देख रहे हैं अलोन, मतलब हम देख रहे हैं कि अलोन अगर मैं इसको अकेला दिस कीवर्ड को रख दूँ तो ये किसे रेफर करेगा। तो देखिए मैं सेव करूँगा और यहाँ पर देखिए हमें यहाँ पर आउटपुट मिल रहा है विंडो। सो बेसिकली किसको रेफर कर रहे हैं, ये ग्लोबल ऑब्जेक्ट को रेफर कर रहे हैं। तो विंडो एक ग्लोबल ऑब्जेक्ट है। ग्लोबल ऑब्जेक्ट वो होता है जो कि बेसिकली ऑब्जेक्ट ग्लोबल स्कोप में हो। जैसे हम कोई वेरिएबल बनाते थे वेर की मदद से, तो वो स्टोर होता था ग्लोबल स्कोप में। तो ये होता है हमारा ग्लोबल ऑब्जेक्ट, जो कि विंडो एक ग्लोबल ऑब्जेक्ट है। तो ये दिस कीवर्ड यहाँ पर इस विंडो ऑब्जेक्ट को, मीन्स ग्लोबल ऑब्जेक्ट को रेफर कर रहा है। तो ये होता है यार बेसिकली दिस कीवर्ड, जब हम उसे रखेंगे बेसिकली अलोन तो वो रेफर करेगा ग्लोबल ऑब्जेक्ट को। तो ये बात तो हमने देख ली। देन हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट था इनसाइड रेगुलर फंक्शन। जब हम किसी फंक्शन के अंदर उसे बनाएंगे, मैं इसको कमेंट कर देता हूँ। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर एक फंक्शन बना रहे, लेट से ऐड, हम यहाँ पर एक ऐड नेम से फंक्शन बना रहे और हम यहाँ पर दो नंबर को ऐड भी कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल कि एक फंक्शन है जो एडिशन कर रहा है। ओके, सो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे सम इस तरीके से, और मैं बोल रहा हूँ 2+2 इस तरीके से, और यहाँ पर हम लॉक कर देंगे सम। तो इसमें हमें क्या मिल रहा होगा, 4 मिल रहा होगा, और यहाँ पर मैं लॉग में लिख दूंगा दिस। सो अब ये दिस किसको रेफर कर रहा होगा, और फंक्शन को हमें चलाने के लिए बेसिकली कॉल करना होगा। तो सेव करेंगे तो देखिए हमें क्या आउटपुट मिल रहा है। बेसिकली यहाँ पर हमें मिल रहा है 4, जो कि बिल्कुल सही है, 2+2 यहाँ पर उसका आंसर स्टोर हुआ। देन ये जो दिस कीवर्ड है बेसिकली आप लोग देख सकते हैं इंडेक्स डॉट जेएस में 8 नंबर लाइन पर आप लोग देख रहे होंगे, ये 8 नंबर लाइन है बेसिकली। मैं इसको थोड़ा इधर कर देता हूँ, ये 8 नंबर लाइन है। इस पर हमें ये जो दिस कीवर्ड है एक ग्लोबल ऑब्जेक्ट को रेफर कर रहा है, जो कि विंडो एक ग्लोबल ऑब्जेक्ट है। सो ये ग्लोबल ऑब्जेक्ट को रेफर कर रहा है, आप लोग समझ रहे होंगे। जब हम इसको अलोन भी यूज़ करेंगे दिस को, तो भी ये ग्लोबल ऑब्जेक्ट को रेफर करेगा। अगर हम एक फंक्शन बना के उसके अंदर लिखेंगे तब भी ये ग्लोबल ऑब्जेक्ट को रेफर करेगा। देन हमारे पास आता है दिस कीवर्ड रेफर टू एन ऑब्जेक्ट। तो ये दिस कीवर्ड रेफर करता है ऑब्जेक्ट को, बट ये कब करता है रेफर ऑब्जेक्ट को दिस कीवर्ड? तो यहाँ पर उसकी लाइन है, बट डिपेंड्स ऑन वेयर द प्लेस, जब ये डिपेंड करता है कि वो कहाँ पर है। तो बेसिकली आप लोग यहाँ पर देख सकते हो कि अभी जो दिस कीवर्ड एक नॉर्मल रेगुलर फंक्शन के अंदर है तो वो ग्लोबल ऑब्जेक्ट को रेफर करता है, अगर वो अलोन है अकेला है तो वो ग्लोबल ऑब्जेक्ट को रेफर करता है। अब हम समझेंगे किस तरीके से वो ऑब्जेक्ट को रेफर करता है। तो देखिए हम यहाँ पर बेसिकली एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे, डेटा नेम से मैं ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ, जिसके अंदर हम नेम एक की दे देंगे जिसमें हम लिख देंगे सुफियान, और इसके अंदर हम लिख देंगे प्रोफेशन, और इसमें लिख देंगे सॉफ्टवेयर इंजीनियर इस तरीके से। देन हम लिख सकते हैं कंट्री, लिख देते हैं कंट्री इंडिया इस तरीके से। तो यहाँ पर हमने कुछ बेसिकली डेटा
ऑब्जेक्ट के अंदर यहाँ पर हमने रख लिया है। देन अब इस ऑब्जेक्ट के अंदर हम एक फंक्शन बनाएंगे और वो फंक्शन क्या होगा बेसिकली, वो फंक्शन कुछ भी हो सकता है। तो जैसे मैं लिख रहा हूँ सम, ये फंक्शन का नेम दे दिया हमने फंक, और यहाँ पर हम फंक्शन को डिफाइन कर देंगे इस तरीके से। अब देखिए यहाँ पर अगर मैं सम भी कर रहा हूँ तो यहाँ पर जो अगर हम सम करेंगे लेट से जो हमने यहाँ पर किया था कि 2+2 और उसका जो आंसर होगा वो वेरिएबल में स्टोर करेंगे तो वो भी यहाँ पर हो जाएगा। तो अगर आप लोग करना चाहे तो कर सकते हो, तो लेकिन आपको बता ही देता हूँ करके। लेट से एडिशन, ओके, इसमें हम बोल रहे हैं 5+5 और लॉक करेंगे तो यहाँ पर ये होना है। और आपको ही पता होगा कि इसका रिज़ल्ट क्या आएगा, 5+5 10। बट मैंने आपको बता दिया कि फंक्शन के अंदर आप दूसरी चीज़ भी टास्क भी परफॉर्म कर सकते हैं। और अब मैं यहाँ पर लॉक करूँगा और इसमें लिखूँगा दिस, ओके। ये हो गया, हमने एक डेटा बनाया जिसके अंदर हमने नेम, प्रोफेशन, कंट्री की वैल्यू के अंदर स्टोर करी है, और एक फंक्शन बनाया सम जिसके अंदर हम ऐड कर रहे हैं, और इसके अंदर कंसोल डॉट लॉग में दीस है, ठीक है। अब मुझे इस सम फंक्शन को कॉल करना है तो मैं कैसे कॉल करूँगा आप बताइए। देखिए हमारे पास ये जो डेटा है इसको डेटा को लेंगे और डेटा के अंदर सम फंक्शन है तो हम लिखेंगे डॉट सम इस तरीके से, और फंक्शन को कॉल कर रहे हैं हम तो हमें पैरेंथेसिस देना रिक्वायर्ड है इस तरीके से। तो हम आउटपुट पर आ जाएंगे और मैं इसको सेव कर लूँगा। तो देखिए हमने सेव किया और आप लोग देख सकते हो यहाँ पर हमें जो यहाँ पर है 19 नंबर लाइन पे ये 10 मिल रहा है फंक्शन से। देन मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट, ये जो दीस कीवर्ड है ये किसको रेफर कर रहा है, इस डेटा ऑब्जेक्ट को रेफर कर रहा है। आप लोग देख सकते हो ये जो बेसिकली दीस कीवर्ड है ये डेटा ऑब्जेक्ट को रेफर कर रहा है जिसके अंदर हमारे पास है नेम, प्रोफेशन, कंट्री, सभी चीज़ें हमें यहाँ पर मिल रही है, आप लोग देख सकते हो। तो जब ये दीस कीवर्ड, हमने यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट बात लिखी थी, ये डिपेंड करता है ये कहाँ पर प्लेस्ड है, ये कहाँ पर रखा है, किसके अंदर रखा है। अगर वो किसी ऑब्जेक्ट के अंदर रखा है, मतलब ये दीस कीवर्ड अभी कहाँ पर है, इस ऑब्जेक्ट के अंदर है, तो वो रेफर करेगा इस ऑब्जेक्ट को। अगर वो फंक्शन के अंदर होगा तो ग्लोबल ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करेगा, रेफर करेगा। अगर वो अलोन होगा, अकेला होगा, तो वो तब भी ग्लोबल ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करेगा, रेफर करेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट थी। तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पर हमें पूरा की पूरा ऑब्जेक्ट मिल रहा है। तो जब दीस कीवर्ड बेसिकली रेफर करता है ग्लोबल ऑब्जेक्ट को, जब वो ऑब्जेक्ट के अंदर हो, जब वो ऑब्जेक्ट को रेफर करता है, तो वो उसकी पूरी प्रॉपर्टीज़ की वैल्यू सभी को एक्सेस कर सकता है। मींस आप लोग देख सकते हो जैसे ये जो दीस कीवर्ड है इस पूरे ऑब्जेक्ट को रेफर कर रहा है, ओके। तो हम इस ऑब्जेक्ट के अंदर जो भी प्रॉपर्टीज़ है इनको भी हम एक्सेस कर सकते हैं। कैसे, वो देखिए, जैसे हमारे पास है दीस, मैं इस दीस को अभी सेम रहने देता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ। अगर मैं दीस डॉट, अब देखिए जो दीस कीवर्ड है ये इस पूरे ऑब्जेक्ट को रेफर कर रहा है, ओके। तो जब ये इस पूरे ऑब्जेक्ट को रेफर कर रहा है, आप लोग देख सकते हो पूरा डेटा भी मिल रहा है, तो इस ऑब्जेक्ट के अंदर जो प्रॉपर्टीज़ है लाइक प्रोफेशन, नेम, कंट्री, इसको भी वो एक्सेस कर सकता है, ओके। अगर मैं लिखूँ दीस डॉट नेम और सेव करूँ तो देखिए मुझे यहाँ पर सुफियान मिल रहा है 21 लाइन में, आप लोग देख सकते हो। मैं इसको कमेंट कर दूं, देखिए मुझे सुफियान मिल रहा है। अगर हम यहाँ पर कर दें प्रोफेशन तो आप लोग देख सकते हो हमें सॉफ्टवेयर इंजीनियर मिल रहा है। अगर हम यहाँ पर कर दें कंट्री, सेव करें तो हमें इंडिया मिल रहा है। तो आई होप आप लोगों ने क्लियरली डिटेल में समझा होगा कि दीस कीवर्ड क्या होता है एंड आपको पूरे कंसेप्ट इसके क्लियर हुए होंगे। तो अगर गाइज आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो यार प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों में। और हमने कंप्लीट एडवांस जावास्क्रिप्ट की एक सीरीज़ प्लेलिस्ट आप कह सकते हैं हमने क्रिएट की है, जिसमें हमने इंटरव्यू क्वेश्चंस को बहुत ज़्यादा प्रेफर किया है, फोकस किया है। तो अगर आप लोगों को इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक्स होते हैं जावास्क्रिप्ट में वो पढ़ना है तो प्लीज़ उसे ज़रूर चेकआउट करें। और अगर गाइज आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो या फिर आपने इस वीडियो से कुछ सीखा हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।